नमस्कार, कैसे हैं आप सब। तो स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से राघव जोन में। तो आज की वीडियो गुरु चंबेश्वर यूनिवर्सिटी के ऊपर। तो कब भाई कमेंट आ रहे थे कि भाई गुरु चंबेश्वर वीडियो बना दे, तो उन भाइयों डिमांड पे वीडियो बनाई गई है। तो वीडियो के एंड तक देखते रहना। इस वीडियो में हम आपको एडमिशन से रिलेटेड और सारे क्वेरी सॉल्व कर देंगे आपकी। तो चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को ऑन कर देना। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले आओ यार, तुमको कैंपस का एक टूर दिखा लाते हैं कि तुम्हारी यूनिवर्सिटी दिखती कैसी है। कैसा लगा कैंपस टूर? काफ़ी भाइयों ने तो सपने सजा लिए होंगे कि हम यहाँ जाके ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। तो भाई सब कुछ करना, पर उससे पहले एडमिशन के बारे में जान लेते हैं कि एडमिशन कैसे होंगे, कट ऑफ कितनी जाती है, कैसे आप एडमिशन ले सकते हैं। तो वीडियो के एंड तक देखते रहो। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते यूनिवर्सिटी के बेसिक इन्फॉर्मेशन से। तो यूनिवर्सिटी का पूरा नाम गुरु चंबेश्वर यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, इसलिए इसको सॉफ्ट फॉर्म में GGHR भी बोल देते हैं। यूनिवर्सिटी 20 अक्टूबर 1995 में इस्टेब्लिश हुई थी। तो यूनिवर्सिटी यार काफ़ी पुरानी है, तो जितना पुरानी यूनिवर्सिटी उतना स्ट्रॉन्ग एलुमनाई नेटवर्क हो जाता है यूनिवर्सिटी का, जो कि एक प्लस पॉइंट हो जाता है यूनिवर्सिटी का प्लेसमेंट से भी। और कैंपस एरिया की बात कर ले तो यूनिवर्सिटी कैंपस एरिया 273 एकड़ से फैला हुआ है, तो काफ़ी बड़ा कैंपस है। आपको कैंपस के अंदर ही सब सारी फैसिलिटी देखने को मिल जाएगी, जैसे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, जीरोक्स, स्टेशनरी, सैलून। तो आपको बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी किसी भी चीज़ के लिए। ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी की बात कर ले तो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी काफ़ी सही है। हिसार बस स्टैंड 1 किलोमीटर दूर है और रेलवे स्टेशन 2 किलोमीटर दूर है। तो और यहाँ तक कि काफ़ी बसें तो आपको यूनिवर्सिटी गेट के बाहर ही छोड़कर जाती है। और कैंपस फैसिलिटी की बात कर ले तो कैंपस फैसिलिटी भी काफ़ी अच्छी दी हुई है यूनिवर्सिटी के अंदर ही। आपको स्पोर्ट्स फैसिलिटी, मेडिकल फैसिलिटी, बैंक, ATM, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, स्वीट शॉप, स्टेशनरी, ये सभी आपको कैंपस के अंदर ही मिल जाएंगे। तो फैसिलिटी भी काफ़ी अच्छी दी हुई है आपको। रियर ये यूनिवर्सिटी बेसिकली VTech प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी की वजह से फेमस है, जैसे कि YMCA फरीदाबाद मैकेनिकल के लिए फेमस है, ऐसे GGHR VTech प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी के लिए फेमस है। क्योंकि कोई भी यूनिवर्सिटी हरियाणा में, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, कोई भी VTech प्रिंटिंग ऑफर नहीं करती, तो इस वजह से काफ़ी प्लस पॉइंट है इस यूनिवर्सिटी का। और इसी वजह से इसकी प्रिंटिंग की प्लेसमेंट काफ़ी अच्छी जाती है। तो अगर आप हरियाणा से और आपको प्रिंटिंग में एडमिशन लेना है तो GGHR आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। तो यूनिवर्सिटी आपको अंडर ग्रेजुएट लेवल पर ये सभी कोर्स ऑफर करती है, जिसमें कि कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, प्रिंटिंग एंड प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, आपका फूड एंड पैकेजिंग। तो यार अब बात कर लेते हैं यूनिवर्सिटी सीट अलॉटमेंट की, कि कौन से कोर्स में कितनी सीट है। तो कंप्यूटर साइंस में आपकी 120 सीट्स है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में आपकी 60 सीट्स है, प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी में भी आपकी 60 सीट्स है, फूड एंड टेक्नोलॉजी में आपकी 60 सीट्स है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आपकी 60 सीट्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन में भी आपकी 60 सीट्स है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में भी आपकी 60 सीट्स है, पैकिंग एंड टेक्नोलॉजी में आपकी 30 सीट्स हैं, सिविल इंजीनियरिंग में आपकी 60 सीट्स हैं। और फिर बात कर लेते हैं बैचलर ऑफ फार्म फिजिको थेरेपी में आपकी 55 सीट्स है, फार्मेसी में आपकी 60 सीट्स है, BSc इन बायोटेक्नोलॉजी में आपकी 50 सीट्स है, BSc केमिस्ट्री में भी आपकी 50 सीट्स है, BSc मैथमेटिक्स में भी आपकी 50 सीट्स हैं, और डाटा साइंस में आपकी 45 सीट्स हैं। तो आप यहाँ से अपनी कोर्स के अकॉर्डिंग अपनी सीट्स देख सकते हैं। कि तो अब आता है सबसे बड़ा सवाल कि आप एडमिशन कैसे ले सकते हैं। तो अगर आपको BTech में एडमिशन लेना है तो आपको HSTS काउंसलिंग करवानी पड़ेगी, जो कि हरियाणा के इंजीनियरिंग कॉलेज की काउंसलिंग कराता है। तो उसके लिए आपको JEE Main देना जरूरी है, चाहे फिर आपकी रैंक कम आए या ज़्यादा है, आपका JEE Main क्लियर ना भी हो, पर आप उस काउंसलिंग के लिए एलिजिबल हो। और अगर आपको किसी और कोर्स में ऑफर चाहिए, जैसे कि BSc या BPharma, तो उसके लिए आप यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल साइट पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। मैं यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल साइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो आप वहाँ से भी अप्लाई कर सकते हैं।
तो यार अब बात कर लेते हैं कट ऑफ की, कि कौन से कोर्स की कितनी कट ऑफ जाती है। तो इस यूनिवर्सिटी की इतनी हाई कट ऑफ जाती नहीं है, और अगर आपको प्रिंटिंग में एडमिशन लेना है तो आपका आराम से एडमिशन हो जाएगा। पर मैंने फिर भी आपकी अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से अलग अलग कट ऑफ लिख रखी है, तो ये आप यहाँ से देख सकते हैं। जिसमें से कि मैंने आपकी ऑल इंडिया की अलग कैटेगरी है, जनरल कैटेगरी की अलग है, एससी कैटेगरी की अलग है, बीसी ए बीसी बी सभी कैटेगरी मैंने अलग अलग कट ऑफ बना रखी है। तो आप यहाँ से वीडियो को पॉज करके यहाँ से अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग अपनी कट ऑफ देख सकते हैं। तो यार अब बात कर लेते हैं सबसे इम्पोर्टेंट थिंग, कि आपको कौन से कोर्स के लिए कितनी फ़ीस पे करनी पड़ेगी, क्योंकि ये सबसे इम्पोर्टेंट हो जाते हैं कि आपका रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट कितने साल में आएगा। कि जितना भी आपने डिग्री में 3 साल में या 4 साल में जितनी पे करी है, वो आपको ग्रेजुएशन के बाद कितने साल में आपको वापस आ जाएगा। तो यार गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी तो इतनी फ़ीस आपसे नहीं लेगी। तो अब बात कर लेती है सभी कोर्स के अलग अलग फीस की। तो जहाँ से कि आपके बीटेक कोर्स के लिए 61,050 रुपीज़ आपको पे करना पड़ेगा, और ये पूरे साल की फ़ीस है, सेमेस्टर की फ़ीस नहीं है। बी फार्मेसी के लिए आपको 42,750 रुपीज़ पे करना पड़ेगा। साइकोलॉजी के लिए आपको 37,050 रुपीज़ पे करना पड़ेगा। इकोनॉमिक्स के लिए आपको 44,250 रुपीज़ पे करना पड़ेगा। बीएससी साइकोलॉजी के लिए आपको 44,250 रुपीज़ पे करना पड़ेगा। बीएससी कंप्यूटर साइंस के लिए आपको 44,250 रुपीज़ पे करना पड़ेगा। और बीएससी केमिस्ट्री मैथमेटिक्स फिजिक्स बायोटेक्नोलॉजी के लिए आपको 44,850 रुपीज़ आपको यूनिवर्सिटी को पे करना पड़ेगा। तो यार यूनिवर्सिटी इतनी ज़्यादा फीस नहीं लेती आपसे, क्योंकि गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी तो इतनी ज़्यादा फीस तो नहीं होगी यूनिवर्सिटी की, तो काफ़ी सही और जेन्युइन फीस है आपकी। तो आप अपने कोर्स के अकॉर्डिंग यहाँ से अपनी फ़ीस देख लेना कि कौन से कोर्स की कितनी फ़ीस है। और जो बच्चे पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल होते हैं, उनको ये फीस पे नहीं करनी पड़ती, उन्हें बस सिर्फ अपना एक डीडी देना पड़ता है और उनकी फ़ी अपने आप स्कॉलरशिप में से कट जाती है। अगर आपको उसके बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मेरे से इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं या कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो यार अब बात कर लेते हैं इस कॉलेज की सबसे प्यारी चीज़, हॉस्टल के बारे में। तो आपको 4 साल बाद अपनी कॉलेज लाइफ याद आए ना आए, पर आपको हॉस्टल लाइफ ज़रूर याद आएगी, ये मैं आपको गारंटेड के साथ कह सकता हूँ। तो यूनिवर्सिटी के अंदर ही आपको 4 गर्ल्स हॉस्टल और 4 बॉयज़ हॉस्टल मिलते हैं, जो कि सेपरेटेड है, कंबाइंड कहीं पे भी नहीं होते। वो सिर्फ फिल्मों में दिखाया जाता है कि इस एक ही रूम में गर्ल्स भी रह रही है और बॉयज़ भी रह रही है, आमने सामने वाले रूम में गर्ल्स और बॉयज़ रह रहे हैं, ये सिर्फ करण जौहर की मूवी में होता है। तो ऐसी चीज़ों पर ध्यान ना दे। जिसमें आपको यूनिवर्सिटी के अंदर जैसी बहुत सदन है जिसमें 95 रूम्स हैं, आर्यभट्ट सदन है जिसमें 120 रूम्स हैं, मदन लाल धींगरा सदन है जिसमें आपके 96 रूम हैं, विवेकानंद हॉस्टल में जिसमें आपके 126 हैं, और ऐसे ही आपके गर्ल्स हॉस्टल में कस्तूरबा भवन है जिसमें आपके 75 रूम्स हैं, सरस्वती भवन है जिसमें आपके 120 रूम हैं, मणिकर्णा भवन है जिसमें आपके 99 रूम हैं, और कल्पना चावला भवन है जिसमें आपके 45 रूम हैं। और फीस की बात कर ले तो काफ़ी जैन फीस लगी मेरे को इस यूनिवर्सिटी की, जिसमें आपको पूरे साल का 9,800 यूनिवर्सिटी को पे करना पड़ेगा, जिसमें आपका 2,000 तो मैथ्स की सिक्योरिटी हो जाती है और 1,500 आपका हॉस्टल सिक्योरिटी हो जाती है, जो ये दोनों ही आपको रिफंड मिल जाती है जब आप हॉस्टल छोड़ के जाओगे। तो आपको पूरे साल का 6,300 रुपीज़ आपको पे करना पड़ेगा। तो यार पूरे साल का 6,300 बहुत सही फीस है यूनिवर्सिटी के हिसाब से देखा जाए तो। तो यार अब बात कर लेते हैं प्लेसमेंट और रैंकिंग की। तो प्लेसमेंट इस यूनिवर्सिटी का 7 से 8 लाख नॉर्मल हाईएस्ट पैकेज जाता है, और लोवेस्ट पैकेज इसका 2 से 3 लाख है, और इसका प्रिंटिंग का थोड़ा ज़्यादा पैकेज चला जाता है, क्योंकि हरियाणा में सिर्फ एक यूनिवर्सिटी है जो प्रिंटिंग ऑफर करती है, तो कंपनीज प्रिंटिंग के बच्चे लेने के लिए इस यूनिवर्सिटी कैंपस में आती है। और रैंकिंग की बात कर ले तो 2017, 2018 और 2019 तीनों ही साल में इसकी 100 से 150 NIRF रैंकिंग रही है, और एक एड यूनिवर्सिटी है बाई नैक। अदर फैसिलिटी की बात कर ले तो यार कैंपस के अंदर ही आपको ये सभी फैसिलिटी देखने को मिल जाएगी, जिसमें शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में आपका डिपार्टमेंटल स्टोर है, फोटो शॉप है, स्टेशनरी शॉप है, बैंक है, ATM है, पोस्ट ऑफिस है, फूड शॉप है, मेडिकल फैसिलिटी भी आपको मिलेगी जिसमें आपका 2 परमानेंट मेडिकल ऑफिसर है, जिसमें गर्ल्स के लिए एक अलग से लेडी ऑफिसर है, SC सेल है, वुमेन सेल है, अगर आप किसी भी लड़की को कैंपस के अंदर कोई भी प्रॉब्लम है तो वो वुमेन सेल में जाकर अपनी प्रॉब्लम बता सकती है, स्पोर्ट्स फैसिलिटी है जिसमें आपके सभी स्पोर्ट्स के अलग अलग कोर्ट हैं। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना और बेल आइकन को ऑन कर देना, क्योंकि आगे भी इसी तरह की वीडियो इस चैनल पर आती रहेगी। और अगर आपको हरियाणा में किसी भी इंजीनियरिंग कॉलेज से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। धन्यवाद।